शायद ही आपको सोचने में ये मजबूर कर देगा इस रिव्यू वीडियो देखने के बाद कि 125cc सेगमेंट पे कौन सा बाइक लेना चाहिए आज की डेट, क्योंकि आज मैं करने वाला हूँ 125cc का रिसेंटली लॉन्च किया जाने वाला है बाइक हीरो ग्लैमर एक्सटेक्स 125 का एक फुल रिव्यू। हीरो मोटोकॉर्प ने ऑटोमोबाइल मार्केट पे हर बार की तरह इस बार भी एक रेवोल्यूशन लेके आया है। नया चेंजेस के साथ साथ 125cc सेगमेंट पे पहली बार ऐसा कुछ कमाल दिखाया है कि सबसे पसंद किए जाने वाला जो मॉडल है ग्लैमर और भी रेटिंग को कहीं गुना तक बढ़ा देगा आने वाले टाइम पे। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या नया चेंजेस, क्या क्या नया फीचर्स लगाया है इस हीरो एक्सटेक्स पे। उससे पहले दोस्तों मेरा चैनल इंडियन आइडेंटिटी को प्लीज सब्सक्राइब करके रखना ऐसी ही बाइक और स्कूटर का रिव्यू पाने के लिए आपके सामने। तो सबसे फर्स्ट वर्ड में बात करते हैं बाइक का कलर ऑप्शन। ग्लैमर एक्सटेक्स आपको सिर्फ और सिर्फ दो ही कलर ऑप्शन में अभी तक शोरूम पे अवेलेबल मिल जाएगा, जो है ग्लॉसी ब्लैक, और अभी जो आप कलर देख रहे हो ये मैट एक्सिस ग्रे है, काफी अच्छा कलर है। आप देख ही सकते हो जो चेंजेस किया है हीरो ने टोटली इसका ग्राफिक्स के ऊपर किया है। इसका जो आप 3D लोगो देख रहे हो ये ड्यूल टोन 3D लोगो के साथ लॉन्च किया है, काफी एग्रेसिव लुकिंग के साथ साथ आपको ये मार्केट पे देखने को मिलेगा। और आने वाले कुछ ही दिनों में और एक कलर इसका नया एडिशन हो जाएगा जो है मैट फिनिश में ग्रे रेड कलर, वो भी काफी अच्छा कलर रहने वाला है दोस्तों। अब अगर ग्लैमर एक्सटेक्स की हेडलाइट असेंबली पे नोटिस करेंगे तो आपको काफी चेंजेस देखने को मिलेगा। 3D लोगो के साथ साथ LED पोजिशन लैम्प काफी एग्रेसिव लुकिंग में आपको देखने को मिलेगा। ये पोजिशन लैम्प से बाइक की ऑन करने से DRL की तरह ग्लो करता है और फोन लुकिंग को काफी इनहेंसमेंट करता है, और हेडलैम्प भी आपको LED देखने को मिल जाता है, जो सभी ग्लैमर यूजर्स का जो कंप्लेंट था बिलो एवरेज नाइट विजिबिलिटी की, तो अभी वो पूरा का पूरा खत्म हो गया है इस ग्लैमर एक्सटेक्स में। इसमें एक LED लैम्प का हेडलैम्प का यूज किया है कंपनी ने और नाइट विजिबिलिटी काफी अच्छा खासा प्रोवाइड करता है ग्लैमर एक्सटेक्स। ग्लैमर एक्सटेक्स की चारों इंडिकेटर लैम्प पे अगर आप नोटिस करेंगे उसमें आपको ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, उसमें भी वही नॉर्मल बल्ब का यूज कंपनी ने किया है। व्हाइट कलर का ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टर लेंस का यूज इसमें किया है जो काफी अच्छा ब्राइटर है नाइट के टाइम पे, काफी अच्छा विजिबिलिटी ये चारों की चारों इंडिकेटर लैम्प आपको प्रोवाइड कर देगा। बाइक के रियर व्यू अगर आप देखेंगे तो आपको रियर व्यू में जो टेल लैम्प लगाया गया है वो नॉर्मल सिग्नेचर पैटर्न का टेल लैम्प जो बरकरार रखा है कंपनी ने काफी ब्राइटर है। ब्रेक दबाने से इसका जो ब्राइटनेस है और भी बढ़ जाता है, काफी इंप्रेसिव लुकिंग के साथ ये एच पैटर्न का सिग्नेचर लैम्प आपको देखने को मिलेगा, और रियर व्यू भी काफी इंप्रेसिव आपको ग्लैमर एक्सटेक्स में देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा चेंजेस ग्लैमर एक्सटेक्स में है आपको जो देखने को मिलेगा इसका मीटर पैनल। 125cc सेगमेंट पे पहली बार ऐसा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का यूज हुआ है, फुल्ली LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बाइक को काफी प्रीमियम फील देता है, और इस बाइक को और भी यूनिक बनाता है इस मीटर पैनल का जो फीचर्स है वो सारी फीचर्स जो है गियर पोजिशन आपको पहली बार तो देखने को मिल जाएगा। RPM का इंडिकेशन इस मीटर पैनल पे आपको देखने को मिलेगा, इको मोड आपको देखने को मिलेगा जो थ्रॉटल के लिए बहुत ही अच्छा है, आपका जो फ्यूल एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज करेगा। साइड स्टैंड का आपको सेफ्टी मिल जाएगा, अगर साइड स्टैंड आपका उठा नहीं है गिरा है तो बाइक स्टार्ट नहीं कर पाओगे, आप स्टार्ट नहीं होगा, ये एक बहुत ही अच्छा सेफ्टी फीचर्स देके रखा है कंपनी ने। और एक सबसे बढ़िया चीज जो है नेविगेशन, जी हाँ दोस्तों ये मीटर पैनल जो है ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी से चलता है, आपकी एप्स के माध्यम से ये कनेक्ट हो जाएगा और नेविगेशन ट्रेंडिंग नेविगेशन जो है इसमें शो करेगा। अगर आपका फोन आएगा आपका SMS आएगा तो भी इस मीटर पैनल पे आपको शो कर जाएगा, ये सबसे इस मीटर का खासियत है। इसलिए दोस्तों इस मीटर पैनल को मुझे बहुत ही पसंद है, आपको ये मीटर पैनल कैसा लगा ये नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बोलना। इस न्यू मॉडल पे जो की कंट्रोल लगाया गया है उसमें ज्यादा चेंजेस कंपनी ने नहीं किया है, फिर भी दोस्तों इसका जो की कंट्रोल है काफी इन एंड मूड है, काफी अच्छा क्वालिटी का है और सभी बेसिक स्विचेस वगैरह देखने को मिल जाता है। उसी के साथ साथ I3 सेंसर का स्विच भी एक ऑप्शनल देखने को मिल जाता है हमको इस ग्लैमर एक्सटेक्स की कंट्रोल में। न्यू हीरो एक्सटेक्स 125 में और एक नया एडिशन जो हीरो मोटोकॉर्प ने किया है वो काफी अच्छा है, वो इंटीग्रेटेड USB पोर्ट का सिस्टम एक देके रखा है हेडलाइट असेंबली के ठीक साइड में, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल बहुत ही मायने रखेगा इन फ्यूचर, आप अगर आपका चाहे तो मोबाइल चार्ज कर सकते हो इस पोर्ट के माध्यम से। बाइक की फ्रंट और रियर सस्पेंशन में आप अगर नोटिस करेंगे तो आपको उसका फ्रंट में हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक सस्पेंशन 30mm का सस्पेंशन देखने को मिलेगा, जिसका ट्रैवल भी काफी अच्छा है, खराब रोड के लिए अच्छा राइडिंग आपको मिल जाएगा। और अगर आप रियर में देखेंगे तो 5-स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्ब्स देके रखा है कंपनी ने, जो आप आपके हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हो, और काफी प्रीमियम क्वालिटी का सस्पेंशन आपको फ्रंट में और रियर में देखने को मिलेगा इस बाइक पे। अगर बात करें बाइक की सेफ्टी फीचर्स के बारे में तो ग्लैमर एक्सटेक्स आपको डिस और ड्रम ये दोनों वेरिएंट पे शोरूम पे अवेलेबल मिल जाएगा। अगर आप डिस परचेज करते हो तो 240mm का डायमीटर वाला डिस ब्रेक आपको सामने देखने को मिलेगा फ्रंट में, और अगर आप ड्रम ब्रेक परचेज करते हो
तो 130 mm डायमीटर वाला ड्रम ब्रेक आपको मिल जाएगा। IBS सिस्टम यानी कि इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम के साथ इसको इंस्टॉल किया है कंपनी ने। फ्रंट में और रियर में कम्बी ब्रेकिंग सिस्टम के साथ काम करेगा। सेफ्टी फीचर्स में काफी अच्छा आपको परफॉर्मेंस दे देगा ये ग्लैमर एक्सटेक। बाइक की व्हील और टायर की बात करें तो इस बाइक पे आपको स्प्लिट डिजाइन एलॉय व्हील देखने को मिलता है। स्टिकरिंग किया हुआ है जिसमें आपको ग्लैमर स्टिकर देखने को मिलेगा, काफी अच्छा लुकिंग प्रोवाइड कर रहा है। और फ्रंट में 80x118 इंच का ट्यूबलेस टायर आपको देखने को मिलेगा। इसी पॉइंट पे आप अगर देखेंगे इसका रियर पे तो 100x80 इंच का बैंडेड ट्यूबलेस टायर आपको देखने को मिलेगा। और 1273 mm का व्हील बेस के साथ साथ 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस जो रूरल एरिया के लिए सिटी एरिया के लिए काफी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने को मिल जाएगा इस ग्लैमर एक्सट्रैक्स। बाइक की इंजन पावर परफॉर्मेंस एंड टेक्नोलॉजी इसके बारे में आपको बताओ तो ये इंजन ऑटो सील टेक्नोलॉजी के साथ आता है और इसमें एक्सेंस का 13 स्मार्ट सेंसर लगाया गया है, जैसे कि O2 सेंसर, I3 सेंसर, बैक एंगल सेंसर, ऐसे ही 13 स्मार्ट सेंसर का यूज इसमें किया है जो काफी अच्छा परफॉर्मेंस आपको इन फ्यूचर दे देगा। और इस इंजन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 124.7 सीसी का डिस्प्लेसमेंट का इंजन है। एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक इंजन है। इसका बोर स्ट्रोक 52.4 mm बोर का साइज है और 57.8 mm इसका स्ट्रोक का साइज है, काफी अच्छा है। कंप्रेशन रेशियो भी 9.9:1 कंप्रेशन रेशियो है और इसका मैक्सिमम पावर 10.7 और 7500 RPM का मैक्सिमम पावर आपको देखने को मिलता है। और उसी के साथ साथ 10.6 न्यूटन मीटर और 6000 RPM का टॉर्क ये इंजन प्रोड्यूस कर सकता है। इसका थ्रॉटल भी आपको काफी अच्छा मिल जाएगा। फुल्ली फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में काम करता है, इसकी वजह से जो फ्यूल का एफिशिएंसी है, माइलेज है, उसमें काफी इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिलेगा। ये 55 से 58 का एवरेज आपको मिल जाएगा आराम से आपके राइडिंग के हिसाब से। बाइक की ट्रांसमिशन एंड फ्रेम के बारे में अगर आपको बताओ तो इस बाइक को पूरा का पूरा डायमंड फ्रेम के ऊपर कंपनी ने असेंबल किया है जिसका लॉन्गजीविटी काफी अच्छा है। और इस बाइक पे 5 मैनुअल गियर के साथ साथ 5 ईयर्स की इंजन का ब्रांड वारंटी भी हीरो प्रोवाइड करता है। ये सबसे बड़ी बात जो है मुझे अच्छा लगता है हीरो मोटो को। बाइक का इंजन का जो साउंड है काफी इंप्रेसिव है दोस्तों, क्योंकि इसका जो एग्जॉस्ट है उसमें कैटलिटिक कन्वर्टर का यूज कंपनी ने किया है जो एनवायरमेंट के लिए भी बहुत ही अच्छा है। और बाइक का जो साउंड है उसमें भी इंप्रूवमेंट ला रहा है, आप देख सकते हो ये कैटलिटिक कन्वर्टर है और काफी प्रीमियम क्वालिटी का एग्जॉस्ट का इंस्टॉलेशन किया है हीरो मोटो को। काफी अच्छा इंप्रेसिव लुकिंग के साथ साथ इस मस्कुलर फ्यूल टैंक का फ्यूल टैंक कैपेसिटी 10 लीटर की है और ये FI होने की वजह से आपको 2 से 2.5 लीटर का पेट्रोल हर वक्त मेंटेन करना पड़ेगा। बाइक की सीटिंग कंफर्ट आपको काफी अच्छा मिल जाएगा। इसका जो सीट का जो मटेरियल बनाया गया है वो सॉफ्ट क्वालिटी का मटेरियल का यूज कंपनी ने किया है और PVN पे भी आपको रियर ग्रैब रेल देखने को मिलता है जो कि प्रीमियम क्वालिटी का है। सारी गार्ड भी आपको इसमें इंस्टॉलेशन किया हुआ कंपनी की तरफ से मिल जाता है। सिर पर से आपको इंजन गार्ड एज ए एक्सेसरीज आपको परचेज करके इसमें इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा। ग्लैमर एक्सटेक्स की वेट एंड डायमेंशन की बात करें तो ये 122 से 123 केजी के आसपास आपको देखने को मिलेगा। 2051 mm का लेंथ आपको देखने को मिलेगा। 722 to 743 का विड्थ आपको देखने को मिलेगा। इसका जो ओवरऑल हाइट है वो 1074 mm का है और इसका जो सीट हाइट है वो 798 mm का है जो कि एकदम काफी स्टैंडर्ड सीट हाइट है। आपका हाइट अगर 5 feet या 5.5 feet भी है तो भी आप आराम से इस बाइक को कंट्रोल कर सकते। मैं खुद जब इस बाइक को राइड कर रहा था मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा है और इसका जो इंजन का साउंड है और राइडिंग कंफर्ट से काफी बेहतर लगा मुझे। आपका राय में क्या है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बोलना। और आपको ये रिव्यू कैसा लगा, आपका राय क्या है इस ग्लैमर एक्सट्रैक्ट के बारे में, इसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, कमेंट करके जरूर बोलना। इसका जो अपग्रेड प्राइस का लिंक है और कुछ मेरा रिकमेंडेशन एक्सेसरीज है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उधर जाकर चेकआउट कर सकते हो। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल इंडियन आइडेंटिटी को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना।